सनातन संस्था के बारे में आए दिन अनेक प्रकार की धारणाएं अभिव्यक्त करने वाले लोगों की बातें जब सुनने में आती है तब मुझे स्वयं को बड़ा आश्चर्य होता है। सनातन संस्था का सारा साहित्य मैंने पढ़ा, उनके प्रमुख लोगों से भी मैंने समय समय पर जब सहजता से मिलना संभव था मिल करके जानने का प्रयास किया, और मेरी ऐसी धारणा बनी है कि यह संस्था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़ा उत्तम कार्य कर रही है। इस संस्था ने जिस प्रकार के साधकों को निर्माण किया और उनके जीवन में अनुशासन लाया वह प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से हिंदू धर्म की परंपराओं की रक्षा करने के लिए यह संस्था जब कार्य करती है तो उस परंपरा पर आघात करने वालों का प्रतिवाद भी उनको करना पड़ता है, लेकिन यह प्रतिवाद उन्होंने वैचारिक स्तर पर किया है और वैचारिक स्तर पर इस प्रकार का प्रतिवाद करना मैं प्रशंसनीय भी मानता हूँ। लेकिन आए दिन इस संस्था के ऊपर बंदी लाई जाए इस प्रकार की जो मांग होती है उसका मुझे आश्चर्य होता है। जिन लोगों ने जो कोई अपराध किया होगा उस अपराध की कड़ी जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है उनको अपने विधान के अनुसार सजा भी होनी चाहिए, यही हम सब लोगों का मंतव्य है। और जहां तक मैं समझता हूं सनातन संस्था के पदाधिकारियों का भी यही मंतव्य है। हम संविधान के अंतर्गत काम करें, संविधान के अंतर्गत ही हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रचार आदि कार्य भी करें, यही मान्य होना चाहिए और यह इन लोगों को सब मान्य होता मुझे प्रतीत होता आया है। इसलिए जहां कहीं अपराध हुए हो उन अपराधों की जांच हो, संविधान के अनुसार कड़ी सजा हो, ये सब बातें मान्य होने पर भी और यह जांच शीघ्रतापूर्ण हो यह मान्य करने पर भी सनातन संस्था के ऊपर बंदी लाने की बात को सुनकर के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इसके पीछे काम करता हो ताकि हिंदुओं की प्रेरणा स्थली बनी हुई इस संस्था को नष्ट किया जाए। ऐसा करना मुझे कतई ठीक नहीं लगता। सनातन संस्था एक आध्यात्मिक धारणा ली हुई और अत्यंत राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र का जो मूल स्वर हिंदुत्व का है उसकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध संस्था है, इस प्रकार की मेरी धारणा है और इसलिए इस संस्था पर बंदी लाई जाए इस बात को मैं हास्यास्पद मानता हूँ और इस बात का मैं विरोध भी करना चाहता हूँ।